नया साल शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और आने वाले साल में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप भी नौकरा पेशी व्यक्ति हैं तो अगले साल आपकी जिंदगी में भी एक बड़े बदलाव की उम्मीद है। दरअसल केंद्र सरकार नए वेज कोड लागू करने जा रही है और इस नए वेज कोड में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे कर्मचारियों की सैलरी और काम के घंटे में बदलाव होगा। आइए आपको बताते हैं कि इस नए वेज कोड में है क्या। नए वेज कोड में कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे ऑफिस में काम करने वाले सैलरीड क्लास, फैक्ट्रियों में और मिल में काम करने वाले मजदूरों पर बहुत असर पड़ेगा। नए वेज कोड के तहत काम के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे तक कर दिया जाएगा। प्रस्तावित लेबर कोड में कहा गया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। यूनियनों द्वारा 12 घंटे काम और छुट्टियों वाले नियमों पर सवाल उठाने के बाद सरकार ने इस पर अपनी सफाई दी है। सरकार ने कहा है कि हफ्ते में 48 घंटे काम का नियम ही लागू रहेगा। अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा, यानी कि उस कर्मचारी को केवल एक दिन की छुट्टी मिलेगी। उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष तक इस नए वेज कोड को लागू भी कर दिया जाएगा। नए नियमों के तहत सबसे ज्यादा फायदा ओवरटाइम करने वालों को होगा, यानी अगर आप 15 मिनट भी ज्यादा काम करते हैं तो कंपनी को आपको ओवरटाइम के लिए पे करना होगा। नया लेबर कोड फिलहाल 13 राज्यों में लागू होने जा रहा है।